Hello students, I am Priyanka Basu Roy from A. Xavier's International School and this is our biology lesson for class 10 and we are discussing the topic of respiration in life processes. जैसे हमने पीछे न्यूट्रिशन में पढ़ा था, we get the food nutrients from outside and we digest it, जिससे हमें हमारी ज़रूरत के न्यूट्रिशन मिल जाता है. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मकसद क्या होता है कि जो खाना हमने इनटेक किया है, जो भी फूड मटेरियल से हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, उनकी हेल्प से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करें. अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, कुछ के केस में ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होता, वो दूसरे पाथवे से करते हैं. ऐसे में इफ़ देर इज़ रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, देन दैट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर कोई ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और फिर भी एनर्जी बन रही है, देन दोज आर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियन में प्लेस होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. उसके बाद अलग अलग टाइप के सेल्स में भी अलग अलग टाइप के तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, विच इज़ गिवन इन दिस. ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो बनता है, इट ब्रेक्स इनटू पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में. अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे यीस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी परफॉर्म होती है. इफ़ देर इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि सबसे नीचे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. अगर कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, जहाँ पे जनरली हमें ऑक्सीजन मिलता है लेकिन कुछ रीजन से उसकी कमी हो रही है, जैसे कि हमारे मसल सेल्स में अगर हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करें, देन इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. जो भी एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम में, इट इज मेड इन अ मॉलिक्यूल विच इज़ एटीपी. जो एटीपी है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है और सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें हेल्प करता रहता है. अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जिनमें ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है, जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वी ऑल्सो हैव टू टेक इन टू अकाउंट कि वो लोग ऑक्सीजन लेते कैसे हैं, हाउ द प्रोसेस हैपन्स. अगर फिशेज वगैरह के केस में है, एक्वेटिक एनिमल्स के केस में है, तो दे हैव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. पानी में ऑक्सीजन खुला हुआ होता है एंड उनके पास गिल्स होते हैं, वो गिल्स के पास से वो पानी को फ्लो करवाते हैं एंड जो गिल्स हैं वो पानी में से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेते होते हैं. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी जो लैंड के एनिमल्स हैं, उनके लिए एक अलग प्रोसेस यूज़ किया जाता है. दे हैव सर्टन स्ट्रक्चर्स जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो है उसे एनवायरमेंट से ले लेते हैं. ह्यूमंस के केस में जो है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. एंड जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनली दोज आर आवर नोज, माउथ एंड आवर लंग्स. यहाँ पे आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है. पहले जो है हम सांस लेते हैं, वी टेक इट थ्रू द नोज. माउथ से भी लेते हैं, बट जनरली वी ब्रीथ थ्रू द नोज. नोज में बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आप जो सांस अंदर ले रहे हो उसे एक तरह से फिल्टर करते हैं. अगर कोई भी मिट्टी है या गंदगी है, इस टाइप की चीज़ों को, वो वहीं पर अटका लेते हैं ताकि वो आपके लंग्स तक ना जाएँ. उसके बाद आपके विंड पाइप से पास होकर एयर जो है वो लंग्स में जाती है और लंग्स में छोटे छोटे एरियाज होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच आर नोन एज एल्वियोलाई. बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें चले जाते हैं. जो एल्वियोलाई होते हैं उनके बाहर की साइड बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. तो जैसे ही ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन के कंटैक्ट में आते हैं, दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोली एंड वो एल्वियोली से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते होते हैं. इसलिए जब भी हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स जो हैं वो एयर से भर जाते हैं, ठीक है, हमारी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है और उसके बाद जैसे ही हम एयर बाहर छोड़ते हैं, दिन दोबारा हमारी चेस्ट कैविटी पीछे आ जाती है. हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, उसका मेन काम क्या होता है कि वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर बाकी सारी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज में ऑक्सीजन को पहुंचाता है. ह्यूमंस के केस में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन. इट हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी जुड़ जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरिजन में जो है और भी ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल होता है, तो ब्लड में जो वाटर के पार्ट्स होते हैं,
ठीक है, उसमें डिजोल्व होके कार्बन डाइऑक्साइड आराम से इधर से उधर ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद हमारा आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे मेनली हार्ट आता है। हार्ट जो है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का मेन मकसद क्या होता है, कभी भी अगर कोई भी हम लोग एनर्जी ले रहे हैं या फूड ले रहे हैं या कुछ भी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाएगा बॉडी में ऑर्गेनिज्म के, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में आता है। ट्रांसपोर्टेशन इज समथिंग विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल डिस्कस मोर अबाउट कि जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर से उधर मूव कैसे करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में हमारे लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जो ब्लड वेसल्स कंटैक्ट में होते हैं उन ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन कम एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों को डिफ्यूजन याद हो तो डिफ्यूजन में कोई भी चीज़ जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ऑक्सीजन की हायर कंसेंट्रेशन लंग्स के अंदर है, एल्वियोली में, ब्लड में कम है, तो वो ब्लड वेसल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जबकि ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो उल्टी तरह मूव करता है और एल्वियोली में आ जाता है। उसके बाद दोबारा जब हम सांस लेते हैं, जो जब वो सेल्स में जाता है ब्लड, वहाँ पे भी यही होता है, सेल्स के पास ऑक्सीजन कम होता है, ब्लड में ज़्यादा होता है, ब्लड से सेल्स की तरफ मूव करता है। सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वहाँ से वो ब्लड वेसल्स की तरफ मूव करता है एंड ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। ऑक्सीजन जब जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ, देन इट इज़ नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, देन इट इज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो मसल्स होते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम जो है ये आपके लंग्स को, यानी जो आपकी अपर कैविटी है, ब्रीदिंग कैविटी है, उसे आपके डाइजेस्टिव कैविटी से अलग करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है, एक लाइन टाइप जाती है आपकी बॉडी के अक्रॉस। और जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके रिब केज के बीच में होते हैं। इन दोनों का मेन काम ये होता है कि जब भी आप अंदर सांस भरते हैं तो ये अलाउ करते हैं कि आपके लंग्स बड़े हो सके साइज में, ताकि जितनी कैपेसिटी आप उतना इनहेल कर सको। अगर ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे तो आप उतनी ज़्यादा हवा इनहेल नहीं कर पाओगे जितनी आप नॉर्मली करते हैं। और जब आप बाहर की तरफ हवा छोड़ते हो, आप एक्सहेल करते हो, तो जो डायफ्राम है और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दे कम बैक टू देयर सेम प्लेस, जैसे कि वो पहले होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ह्यूमंस हैव रेस्पिरेशन, बट इन द केस ऑफ प्लांट्स यू हैव टू टेक केयर कि प्लांट्स जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू सांस लेते हैं, दे हैव एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे होता है, जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं थ्रू डिफ्यूजन, रूट्स जो है वो वाटर भी लेते हैं साथ में ऑक्सीजन भी लेते हैं, उनके थ्रू होता है। बट इन द केस ऑफ आउटसाइड, जहाँ पे प्लांट बाहर है मिट्टी से, वहाँ पे देर आर स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं जो लीव्स के सरफेस पे मिलते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है अंदर प्लांट्स के, उसे बाहर की तरफ एयर में छोड़ देते हैं एंड एयर से जो ऑक्सीजन है उसे अंदर की तरफ ले लेते हैं। नाउ यू हैव टू टेक केयर कि जो स्टोमेटा हैं ये मेनली रात को ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो रेस्पिरेशन ज़्यादा जो प्लांट्स में होता है वो रात को होता है। दिन के टाइम में, सनलाइट के टाइम में, प्लांट्स को खाना बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, फोटोसिंथेसिस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऐसे में वो रेस्पिरेशन ना के बराबर करते हैं। दिन में फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि रात के टाइम में उल्टा होता है, रेस्पिरेशन होती है एंड ह्यूमंस की तरह ही प्लांट्स भी ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है। एग्जाम्पल अगर हम अर्थहोम्स का लें तो अर्थहोम्स में जो स्किन है उसकी हेल्प से रेस्पिरेशन होता है, स्किन से ही ऊपर से नीचे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिशेस के केस में गिल्स से होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह के केस में उनकी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं विच आर नोन एज स्पाइरेकल्स, जो कि गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। जो हमारे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, इनमें भी क्या होता है, जो इनके सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सब बॉडी सरफेस होता है,
वो हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास. आई विल बी शेयरिंग योर क्वेश्चन आंसर्स विद यू एज वेल, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे. आई वुड रिकमेंड एवरीबडी कि वो बुक्स जल्दी से जल्दी ले लें. आपकी बुक्स जो हैं वो वीके की हैं, क्लास 10 की बायोलॉजी, एंड आई होप उन्हें आप जल्दी से जल्दी ले लें ताकि आप उस कंटेंट को पढ़ सकें.